नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं, वक्त है फास्ट इन फैक्ट्स का। फास्ट इन फैक्ट्स में हम आपको दिखाते हैं दिन की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। आपके साथ मैं हूं विद्या नाथ, और मेरे साथ रूबी कालियाकत। दिल्ली के JNU से लापता छात्र नजीब अहमद को लेकर आज छात्रों ने प्रदर्शन किया है। पुलिस पर नजीब की मां के साथ बदसलूकी का आरोप लग रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर JNU छात्र संघ की अगुवाई में सैकड़ों छात्रों ने नजीब को जल्द से जल्द बरामद करने की मांग की। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत भी हुई। प्रदर्शनकारियों को पुलिस बस में डालकर थाने ले गई। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली के कई इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। राजपथ और इंडिया गेट के आउटर और इनर सर्कल को भी बंद कर दिया गया। नजीब को लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रही है। जाहिर है कि दिल्ली पुलिस दबाव के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण कोई एक्शन इस पे नहीं ले रही है। जो लोग उसमें मारपीट में शामिल थे, अभी 22 दिन के बाद कल शायद उनसे पहली बार पूछताछ की गई। 27 साल का नजीब अहमद MSc बायोटेक्नोलॉजी का छात्र है। JNU के माही मांडवी हॉस्टल में उसे कमरा मिला था। UP के बदायूं के रहने वाले नजीब अहमद का 14 अक्टूबर को अपने हॉस्टल में ABVP के छात्रों से झगड़ा हुआ था। 15 अक्टूबर की सुबह से वो लापता है। नजीब के परिवार ने उसके लापता होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस ने उसकी तलाश में मदद करने वालों को 2 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नजीब को तलाशने के लिए करीब 450 पुलिस वाले लगे हुए हैं। अभी एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली से JNU से लापता छात्र नजीब अहमद को लेकर आज जो छात्रों ने प्रदर्शन किया, उसमें नजीब की मां के को हिरासत में लेने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। नजीब की मां को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था, और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। नीरज गौर मेरे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, क्या सवाल उठाए हैं अब CM केजरीवाल ने? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि अभी जो अरविंद केजरीवाल हैं, मायापुरी थाना है वहां पर मौजूद हैं, जो कि जिले के DCP हैं विजय, वो भी वहां पर मौजूद हैं। उनके बीच बातचीत चल रही है। उनका ये कहना है कि जब तक नजीब की जो माँ है वो अपने घर तक नहीं पहुंच जाती है, तब तक वो थाने में ही बैठे रहेंगे, और फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि उनके घर पहुंचने का, क्योंकि पुलिस PCR के जरिए उनको, नजीब की माँ को जो पुलिस है उनको सेफली उनको जो है जो कि घर पर उनको लेकर गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी भी कुछ एरिया में जो प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ तक कि मंदिर मार्ग थाने पर जो स्टूडेंट हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने पूरी सुरक्षा के तहत जितना भी नई दिल्ली का एरिया है, राजपथ है, उसको बंद कर दिया था, ताकि किसी भी तरीके से ये लोग जो है इंडिया गेट तक ना पहुंच पाए, क्योंकि इनका साफ तौर से कहना था कि ये लोग जो है इंडिया गेट पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने इनको साफ इनकार किया था। पुलिस का कहना था कि आप जो जंतर मंतर, अरविंद केजरीवाल बेसिकली वहां थाने में रुक गए हैं, कह रहे हैं जब तक इनकी माँ को घर नहीं पहुंचाया जाएगा नजीब की, तब तक वो वहां से नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। दिल्ली में छाई धुंध को लेकर केजरीवाल सरकार ने कई अहम ऐलान किए। दिल्ली सरकार ने कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाकर धुंध के हालात पर चर्चा की। बैठक में लोगों को राहत देने के लिए कई बड़े कदमों पर सहमति बनी। दिल्ली के सभी स्कूल 3 दिनों तक बंद रहेंगे। सभी कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ के काम 5 दिन तक बंद रहेंगे। अस्पतालों और इमरजेंसी हालात को छोड़ कहीं भी 10 दिन तक डीजल जनरेटर इस्तेमाल नहीं होंगे। बदरपुर बिजली प्लांट 10 दिनों तक बंद रहेगा। कृत्रिम बारिश के लिए केंद्र से मदद मांगी जाएगी। कल से दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू होगा। 10 नवंबर से दिल्ली की सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग होगी। कुछ इमरजेंसी मेजर्स लेने की जरूरत है, क्योंकि आस पास के स्टेट्स भी इससे सफर कर रहे हैं। केवल दिल्ली सफर नहीं कर रही है, सारे हम लोग सफर कर रहे हैं। इसलिए राजनीति छोड़ के, फिंगर पॉइंटिंग छोड़ के, सबको मिलके बैठ के इसके समाधान ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन अभी भी आने वाले दिनों में बहुत जल्दी इससे राहत की उम्मीद भी, अभी कुछ दिन और क्रॉप बर्निंग होने वाली है, अभी बंद नहीं होने वाली, तो तुरंत कुछ करने की जरूरत है। दिवाली के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण काफी बढ़ा है। एक हफ्ते से धुंध के हालात हैं। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में फसलों को जलाने की वजह से वायु प्रदूषण बढ़ा है। दिवाली पर पटाखे जलाने की वजह से भी दिल्ली में वायु प्रदूषण काफी बढ़ा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के मुताबिक 2 नवंबर को दिल्ली में 17 साल की सबसे ज्यादा धुंध थी।
दिल्ली सरकार ने लोगों को ऑड इवन के लिए भी तैयार रहने को कहा है। अगर हालात नहीं सुधरे तो ऑड इवन लागू हो सकता है। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं लोग। प्रदर्शन के जरिए लोगों ने साफ हवा का हक मांगा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन कर प्रदूषण के हालात पर चिंता जताई। लोगों ने इस बात पर चिंता जताई कि सरकार हालात पर काबू नहीं पा रही है। अब हर रविवार को लोग यहां जमा होकर साफ हवा के हक की आवाज बुलंद करेंगे। ये पोल्यूटेड एनवायरनमेंट के अगेंस्ट है और हम सब स्कूल से हैं, आरडी स्कूल, वी ऑल एजुकेशनलिस्ट हु टीच चिल्ड्रन एवरी डे एंड वी हैव कम टू फाइट फॉर द बेसिक राइट व्हिच इज द राइट टू ब्रीथ। इफ दे आर नॉट हेल्दी वी कांट टीच देम। अभी तक कोई इमरजेंसी एक्शन प्लान्स हैव नॉट बीन पुट। इफ दे आर पुट फॉर द सिटीजंस, इफ द इमरजेंसी प्लान्स आर पुट फॉर द स्टेट, एवरीबॉडी विल इंप्लीमेंट देम सीरियसली, बट नो इमरजेंसी प्लान्स हैव बीन पुट टिल नाउ। धुंध की वजह से खिलाड़ियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम में हैदराबाद और त्रिपुरा का मैच शुरू नहीं हो पा रहा है। खिलाड़ियों को आंखों में जलन के साथ सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली वासियों को अब परेशानी होने लगी है, आंखों में जलन होने लगी है और मैं मौजूद हूँ नॉर्थ दिल्ली के जो शास्त्री नगर का इलाका है और क्या स्थिति है इस वक्त स्मॉग की यहाँ पर ये देख सकते हैं। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में लोग बड़ी तादाद में मास्क खरीद रहे हैं। सीआईएसएफ ने दिल्ली में तैनात अपने 7,000 जवानों के लिए मास्क खरीदने का फैसला किया है। प्रदूषण का असर कम करने के लिए दिल्ली में एयर प्यूरिफाई की मांग बढ़ गई है। बीती रात दिल्ली में प्रदूषण से हालात इतने खराब हो गए कि प्रदूषण मीटर में भी इसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। दिल्ली में लोगों का सांस लेना दूभर है, लेकिन दूसरी तरफ धुंध को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने धुंध को लेकर पड़ोस के राज्यों में फसल जलाने को जिम्मेदार बताया, लेकिन हरियाणा सरकार ने इससे इनकार किया। और ये सबको पता है कि जो फसलें जलाई जा रही हैं वेस्टर्न यूपी में, हरियाणा में और पंजाब में, उसकी वजह से जो एकदम से अचानक, देखिए पॉल्यूशन के जो कंडीशन हैं, जो भी कारण है, दिल्ली में तो कारण आज से 10 दिन पहले भी वही थे। केजरीवाल की तो आदत हो गई कि अपनी कमियों के लिए दूसरों पर ब्लेम लगाना। अगर धुआं पंजाब और हरियाणा से आ रहा होता तो हरियाणा में भी काले बादल छाए होते हैं। ब्लेम गेम में आने के बजाय किसी दूसरे को किसी समस्या के लिए जवाबदार ठहराने के बजाय या समस्या में राजनीति करने के बजाय समस्या का निदान किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। दिल्ली में प्रदूषण को आपात हालात बताते हुए केंद्र ने कल पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाई है। एनजीटी ने प्रदूषण न रोक पाने के लिए हाल ही में दिल्ली और केंद्र सरकारों को फटकार लगाई थी। धुंध के बाद दिल्ली में अस्थमा और एलर्जी के मरीजों में 60-70% की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में प्रदूषण के हालात को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में रहना गैस चैम्बर में रहने की तरह हो गया है। धुंध का असर सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं है बल्कि लखनऊ, उसके साथ साथ यूपी के कई दूसरे शहरों में भी हालात बहुत खराब है। दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर लखनऊ में भी आज सुबह धुंध दिखी। यहां विजिबिलिटी बेहद कम थी। आगरा भी धुंध की चपेट में है। धुंध की वजह से सुबह 10 बजे तक ताजमहल भी नहीं दिखाई दे रहा था। इससे यहां आने वाले सैलानी बेहद निराश हुए। रामपुर में धुंध की वजह से हादसा हो गया। 4 गाड़ियों की टक्कर में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के शिकार लोग लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम से लौट रहे थे। दिल्ली की ही तरह आज लखनऊ में भी इस सीजन का पहला फॉग देखने को मिला और इस वक्त की कंडीशन आपके सामने है। धुंध जमी हुई है। जानकार ये मानते हैं कि ये धुंध इस वजह से है क्योंकि जो पोल्यूशन है जमीन का वो आसमान में डिस्पर्स नहीं हो पा रहा है क्योंकि हवाएं भी नहीं चल रही हैं। धुंध के दौरान हवा में ओजोन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। धुंध की वजह से लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। अस्थमा के मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। धुंध की वजह से फेफड़ों पर भी असर पड़ता है। दिल के मरीजों को भी धुंध से खतरा है। धुंध के दौरान अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर एहतियातन घर में ही रखिए। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग आज भी जारी है। आज पाकिस्तान की गोलीबारी में 2 सैनिक शहीद हो गए। तो पाकिस्तान की तरफ से जो आज फायरिंग हुई उसमें 2 सैनिक शहीद हो गए, 2 जख्मी हो गए। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 2 आम नागरिक भी इसमें जख्मी हुए हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिंदी न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया पर 1 दिन की पाबंदी के फैसले का समर्थन किया है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट कर न सिर्फ सरकार के फैसले का समर्थन किया बल्कि 1 दिन के पाबंदी के फैसले को बेहद कम बताया। डॉक्टर चंद्रा ने लिखा,
एनडीटीवी पर एक दिवसीय प्रतिबंध नाइंसाफी है, ये सजा बहुत कम है। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ के लिए उस पर आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए। मेरा तो ये भी विश्वास है कि अगर एनडीटीवी न्यायालय में जाए तो उसे वहाँ से भी फटकार ही मिलेगी। यूपीए काल में जी पर प्रतिबंध की बात चली थी, तब एनडीटीवी बाकी तथाकथित बुद्धिजीवियों ने मौन धारण किया था। एडिटर्स गिल्ड भी चुप्पी साधे हुए था। सूचना प्रसारण मंत्रालय के आदेश के मुताबिक एनडीटीवी इंडिया 9 नवंबर को 24 घंटे के लिए ऑफ एयर रहेगा, यानी चैनल का प्रसारण नहीं होगा। जनवरी में हुए पठानकोट आतंकी हमले की कवरेज के लिए ये कार्रवाई की गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी आतंकी हमले की कवरेज के लिए न्यूज चैनल को ऑफ एयर करने को कहा गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से बनाई गई अलग अलग मंत्रालयों की समिति ने एनडीटीवी इंडिया पर कार्रवाई की सिफारिश की थी। समिति के मुताबिक पठानकोट हमले के दौरान चैनल ने सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी दिखाई थी। चैनल ने पठानकोट हमले के दौरान एयरबेस में मौजूद हथियारों, लड़ाकू विमानों, रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार और हेलीकॉप्टर के बारे में भी बताया। आतंकियों के हैंडलर इस जानकारी का इस्तेमाल कर न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते थे बल्कि आम लोगों और सैनिकों की जान भी खतरे में डाल सकते थे। असम के न्यूज चैनल न्यूज टाइम असम पर भी 9 नवंबर को एक दिन का बैन लगाया गया है। चैनल पर दिशा निर्देश के उल्लंघन का आरोप है। और इससे पहले जो आपको बताया कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग आज भी जारी है, आज पाकिस्तान की गोलीबारी में 2 सैनिक शहीद हो गए। पुंछ में कृष्णा घाटी सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए रात 2 बजे पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की। सोनिया सेक्टर में भी सुबह 10 बजे पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी। कृष्णा घाटी में शहीद होने वाले 22 सिख रेजिमेंट के सिपाही गुरसेवक सिंह भी हैं। पंजाब के तरन तारण जिले के रहने वाले गुरसेवक 23 साल के थे। पाकिस्तान की फायरिंग में 2 सैनिकों के शहीद होने के अलावा 2 जवान जख्मी भी हैं, साथ ही 2 आम लोग भी पाकिस्तान की फायरिंग में घायल हुए हैं। देखिए, हमारे रिहायशी इलाकों को ये टारगेट कर रहे हैं, हम इनके पोस्ट को हिट कर रहे हैं। हम पाकिस्तान आर्मी के जो पोस्ट है उसको इफेक्टिव पनिशमेंट जो है वो दे रहे हैं और उनको हिट कर रहे हैं बहुत हार्ड। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक पाकिस्तान करीब 100 बार सीज फायर तोड़ चुका है। पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ और सेना के 12 जवान शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान की फायरिंग में 12 आम लोगों की भी मौत हुई है। फायरिंग की वजह से जम्मू इलाके में सीमा और LOC से सटे 400 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ का एक सब इंस्पेक्टर घायल भी हुआ। यूपी के झांसी में आज बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने SP और BSP पर निशाना साधा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जल संसाधन मंत्री उमा भारती की मौजूदगी में अमित शाह ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और BSP यूपी का विकास नहीं कर सकती। बीजेपी को विकल्प बताते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर सरकार बनी तो यूपी देश का सबसे खुशहाल राज्य होगा। सोनिया मनमोहन की सरकार चली, सपा और बसपा के समर्थन से चली। वो सरकार सपा बसपा और कांग्रेस की सरकार थी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश तो है ही, अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध प्रदेश बनेगा। मित्रों, बीजेपी यूपी में चुनाव प्रचार के लिए परिवर्तन यात्रा कर रही है। पहले चरण की शुरुआत शनिवार को सहारनपुर से हुई। परिवर्तन यात्रा का तीसरा चरण 8 नवंबर को रॉबर्ट्सगंज से, तो चौथा चरण 9 नवंबर को बलिया से शुरू होगा। परिवर्तन यात्रा 50 दिनों में यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों का सफर तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 14 नवंबर को यूपी के गाजीपुर में रैली करेंगे।